हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो आज हम लोग जा रहे हैं पिंपुटकर भाई के साथ अनस हैंडीक्राफ्ट को। अभी वहाँ पे जाके मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं है, पर एक मिनट भाई, पीछे कैमरा करके दिखाता हूँ क्या है। लो भाई, इसके अंदर जाने वाले हम लोग पहली बार। अरे भाई, पूरा कीचड़ है। हाथ हाथ लेके आते हैं मेरे जूते। चलो भाई, कोई ना, यहाँ पे पिंपुटकर भाई के दोस्त है, पहले उनसे मिलेंगे। भाई काका लेके आ गए यार। पिंपुटकर भाई बहुत बड़े कॉन्टेक्ट है भाई के। ये देखो, ये भाई से मिलने वाले अभी हम लोग। तो आप फोटो में देख लेना, अभी हम रियल में मिलते ले भाई। तो गाइस, हमको पानी से स्वागत किया गया है यहाँ पे। और ये देखो, हम लोग कितने अच्छे फ्रेम में बैठे हैं भाई यहाँ पे, मतलब हर एक को ना फोटोजेनिक। हाँ, देखो कितना कितना सही लग रहा है इंसान यहाँ पे। अक्षय भाई की एकदम सेक्सी फोटो आएगी यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे बैठ के थंबनेल का फोटो लेंगे भाई। पिंपुटकर भाई कहाँ से मिलते हैं, ऐसे कॉन्टेक्ट आपको जरा बताइए। खुद से आए थे, पता है कब आए थे? एक्सीडेंट हुआ था, बेड पे बैठा था, तभी सब मिल जाने लगे मेरे को। अच्छा, यहाँ पे और एक कोई तो परफ्यूम या फिर जो इत्र रहते ना, उनका प्रमोशन खाया था मेरे को। और सेम डे पे, मतलब जब इनका आया था ना, उसी दिन उनका आया था। मैं बोला भाई, एक दिन में इतने प्रमोशन कैसे आने लगे? मैं बोलता है क्यों आया, क्योंकि उस टाइम पे वो वीडियो वायरल गया था। मैंने को लगा उसकी वजह से आ रहे। अगर फेमस होना है ना तो एक्सीडेंट होना चाहिए। सही है। ले भाई, यहाँ पे वीडियो शूट चालू होने वाला है पिंपुटकर भाई का। और यहाँ पे भाई अभी एक है, तो अभी करते पिंपुटकर भाई का वीडियो शूट। चलो मिलते हैं। लो भाई, फाइनली इंट्रो शूट हो चुका है। ये रहा शॉप, और अभी हम लोग जा रहे हैं शॉप के अंदर। तो पहले वहाँ से सिनेमैटिक्स लेंगे भाई के लिए, बहुत तगड़े तगड़े। चलो। तो भाई फाइनली यहाँ पे इंट्रो शूट हो चुका है, मतलब जो वीडियो के पहले स्टार्टिंग पे आता है यार। मतलब मज़ा आता है यार, आपने जैसे बंदों को देखते हुए ऐसे कुछ कर रहे हैं कि दिल में अच्छा लगता है। और पिंपुटकर भाई का तो मज़ा ही आ रहा है, देखो सिनेमैटिक ले रहा है यहाँ पे यार। उसका भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको जाके ज़रा प्यार भी दे देना। तो ये रहे हमारे मेहनती भाई। तो अभी ज़रा सिनेमैटिक शॉप के लिए, शॉट के लिए, क्या बोल रहा हूँ भाई, सिनेमैटिक शॉट के लिए हेल्प कर दे भाई को। चलो। तो भाई हम लोग फाइनली यहाँ से ऊपर आ गए, और यहाँ पे सिनेमैटिक ले रहे हमारे पिंपुटकर भाई। चलेगा भाई, मज़ा आ रहा है बट शूट करने में भी। ये देखो भाई, कितना सही लग रहा है। मतलब ऐसे फ्रेम देखो ना, ऐसा लग रहा है कि राजा महाराजा वाले के फर्नीचर में कैसे रहते बड़े बड़े नेता लोगों के। ये भैया भी बहुत पुराने हैं, ये सबसे पुरानी चावल है। उम्र पूछेंगे तो अरे ये गजनी है ना, गजनी, इनसे इंस्पायर होकर फिल्म बनाई थी आमिर खान ने, भूल जाते। ये मेरे पास जब से, जब मैं छोटू सा था, मैं स्ट्रगल कर रहा था, तब से मेरे पास। अच्छा, जब इसे स्क्रैच से चालू किया था आपने? से, जब से इनसे मोहब्बत है, हमें प्रेम है। अगर हम इनको नहीं बोलेंगे ना, तो ये पूरे दिन पोछा ही मारते रहेंगे, इसकी पॉलिश ही करते पूरा दिन इसी पे लगाएंगे। देखो, पूरा करते रहेंगे, जब तक हम रोकेंगे नहीं करते रहेंगे, पूरा चमका देंगे, पूरा चमका देंगे। वो लकड़ी पतली हो जाती है। सीधे बात है। हाँ, क्या? तो आज हम लोग बैठे हमारे टाइगर सर के साथ। तो सर, मेरे को आपको एक सवाल करना है। आपकी ये जो फर्नीचर का शॉप, बहुत एकदम एंटिक, सब एंटिक चीजें है आपके दुकान में। आप मुझे बस इतना बोल दीजिए कि आपने शुरुआत कहाँ से की, मतलब ऐसी शुरुआत होती है, जैसे हम चालू कर देते हैं, एक वीडियो बना दिया, डाल दिया, तो आपकी शुरुआत कैसे रही और मतलब किस अंदर से चालू किया? ये एक्चुअली फर्नीचर इंडस्ट्री में हम लोग, जैसे आपको पता ही होगा, हम काफी पुराने हैं, पिछले 50 साल और लोग दादाजी के टाइम से। लेकिन ये जो वायरल हुआ हूँ मैं, ये जो पिछले 1.5 साल में हुआ हूँ, और 1.5 साल में हमने ये सब किया है। और हमारा, हमारी कंपनी का एक मिशन है, जिसकी वजह से हम डीमोटिवेट नहीं होते, थकते नहीं। हमारी टीम जो है 24 घंटे में 18 घंटे काम कर रही है। तो एक ही मोटिवेशन है कि हमको देश का फर्नीचर घर घर पहुंचाना है। और आने वाले 2 साल में मैं पूरे कोशिश हमारी यही है कि हमें हर घर में पहुंचाना है।
ये जो चाइना का फर्नीचर आ रहा है, मलेशिया का फर्नीचर आ रहा है, इम्पोर्टेड इटली का फर्नीचर आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। जो भी आना है, जो भी कमाना है, जो भी सेल होनी है, वो हमारे देश के लोग खाएंगे, हमारे देश, यही काम करना है बस, और यही कर रहा हूँ। मुझे काफी लोग बोलते हैं कि सर 50 साल, आजकल तो 2 साल भी शादी नहीं टिकती, तो 50 साल आप फर्नीचर पे कैसे टिक गए? तो जब ये मोटिवेशन रहता है ना, जब ये फील होता है, अगर हमें पैसे ही कमाना होता तो 50 साल नहीं करते थे, हम छोड़ देते थे। आजकल तो बहुत कुछ है, ट्रेनिंग करके आदमी करोड़ों कमा सकता है, लाखों कमा, हजारों कमाता है, कमा ही रहे लोग। बट हमारा मिशन यही है, विजन ये है कि हमें देश के फर्नीचर को आगे लेके जाना है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे देसी लोग हैं, इसी वजह से, इसलिए हम वहां से ही शुरू कर रहे हैं। और वही हम रोज, हमारी टीम यही सोच के चलती है कि भाई हमको ये फर्नीचर हर जगह मिले, इसकी वजह से सपोर्ट मिल रही है, पूरा देशवासी, हर हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और हमारा फर्नीचर ये पसंद है, ये पूरा जो है हिंदुस्तान में ही बन रहा है। हाँ, सब कुछ इसमें, किला से लेके पॉलिश से लेके कपड़े से लेके गादी, फॉर्म, लकड़ी, वुडन, कारीगरी, सब कुछ हिंदुस्तान में, यहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेड नहीं है। अच्छा लगा आपसे। तो भाई ये देख सकते हो, मतलब जो ओल्ड स्कूल में जब भी ट्राईपॉड यूज़ किया करता था, तो ये बहुत पुराना है, देखो पूरा चेन बीन बन दिला है। तो एक्चुअली ट्राईपॉड ही है, और यहाँ पे ऐसे एंटिक एंटिक चीज़ मिलते हैं ना भाई, आज देख के खुश हो गया, खुश, राजा महाराजा वाले जो ज़माने में यूज़ किया करते थे। तो ये कुर्सी देखो भाई, क्या बंदा ऐसे बैठ के फ़ोटो खींचेगा तो कितना सही लगेगा, एक पिंपुट कर कैसा बैठा है एकदम ऐसे कूल में, हाँ ऐसे हाथ वगैरह डाल के, बहुत सही लगता है भाई। अभी तो मेरा तो BTS है, प्रोफेशनल वीडियो तो भाई केस में आएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वो वीडियो को भी जाके जरूर प्यार देना। देखो भाई, टाइगर भाई ने हमको वड़ा पाव भी खिला दिया, मतलब थोड़ा सा 5 मिनट के लिए ब्रेक दिया। ये देखो यार कैसा ही लग रहा है फ्रेम में, यू यार कैमरा बहुत गंदा है भाई, नया लेना पड़ेगा मोबाइल। भाई यहाँ पे ना ऐसे एंटिक बंदूक भी रखे, मतलब बंदूक मतलब असली नहीं है, ऐसे नकली है। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा वो फोटो मेरे बंदूक वाला, तो वो असली नहीं यार, कोई कमेंट करके बताना मत कि बंदूक लेके बैठ, ऐसे ऐसे अगर बैठा रहता तो पिंपुट करने में मुझे गोली मार दे रही थी कब तक। उसकी वीडियो को तो मैं बना रहा हूँ ना, थोड़ी सी भी गलती की डायरेक्ट फायरिंग डैश, बराबर कहने पिंपुट कर, अभी स्टोरी लगाने में भी है वो। ये देखो भाई, पुराना ज़माने का जो फ़ोन होता था, इतना एंटीक है भाई, मतलब ऐसे लगेगा फ्रेम में घर पे दिखेगा कितना सही लगेगा। ये देखो, अरे भाई मार मत दे रहा भाई। ये देखो भाई, ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे पास। ये भाई ऐसे वायरल नहीं होते भाई, छोड़ दे, रख दे, मारना चाहता है मुझे तो। ये वाला ना, हाँ ये जो लोनावला में हमने एक रूम बनाया 24 जिला का, तो इधर से तो सर, टाइगर सर जो है यहाँ पे हमको मिल चुके हैं। तो ये तो प्रोफेशनल वीडियो तो हमने बना ही लिया हमारे चैतन्य भाई के ब्लॉग के लिए, तो अभी भैया सर थोड़ा बिजी है तो उनको जाने का है, तो इसलिए मैं बोला ब्लॉग एक बार ले लेता हूँ सर। ये फॉर्चून मतलब जो फर्नीचर के जो लेजेंड है हमारे, तो थैंक यू भाई मिलने के लिए। थैंक यू सो मच।